उत्तराखंड में इन दिनों सहकारिता चुनाव को लेकर जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 1500 से ज्यादा सहकारिता समितियों को लेकर चुनाव प्रक्रिया जारी है। बीते शुक्रवार से सभी जिलों में सहकारिता और पैक्स के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इन चुनाव में अब तक विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि अब तक के चुनाव में 90% समितियों से बीजेपी प्रत्याशी विजय होकर लौटे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बात से जाहिर होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, सहकारिता चुनाव में बहुत उत्साह है लोगों में कि वो सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उनकी जो हल्की फुल्की जानकारी मिली है कि जो हमारे लोग हैं, जो कैंडिडेट हमारे हैं, वैसे सहकारिता कोई पार्टी का चुनाव नहीं होता है, लेकिन उसमें जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो लोग हैं वो 80% से ज़्यादा जीत करा रहे हैं। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।